my channel and welcome to another video. Now today's video is gonna be a Boxing Day shopping haul. So if you have been following me for the longest time and you have seen my last few vlogs, you would know that I went shopping on Boxing Day. And those of you who are new, I would like to tell you what Boxing Day is. So basically Boxing Day is Australia ka sabse bada एंड यू नो सबसे ज़्यादा सेल वाला दिन. उस दिन जो सेल्स होती हैं वो ब्लैक फ्राइडे को भी बीट कर देती हैं. एंड एवरी ईयर आई गो एंड शॉप ऑन बॉक्सिंग डे लाइक अ लॉट. एंड दिस ईयर इज वेल आई वेंट एंड डिड सम शॉपिंग एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे बैग हैं. अभी आपको फ्रेम में तो थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं बट यहाँ एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे बैग्स हैं. एंड आई एम गोना बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू इन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. दिख रहा है उसी से शुरू करते हैं, उसी से निकालते हैं चीजें. सो ये बैग है टाइपो का. नाउ जिन लोगों को नहीं पता है, टाइपो इज अ बिग स्टेशनरी स्लैश गिफ्टिंग स्टोर ऑस्ट्रेलिया का. जैसे इंडिया में आर्चीज होता था ना, आर्चीज गैलरी 90s के टाइम पे, कुछ वैसा ही अभी का वर्जन है टाइपो. एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, बहुत क्वर्की सामान मिल जाता है. सो आई वेंट इन देयर एंड आई गॉट माय 2022 का प्लानर. एवरी ईयर आई गेट माय प्लानर फ्रॉम टाइपो बिकॉज आई जस्ट लव देयर वाइब. और उनके प्लानर पे ना मतलब एक बहुत ही कुछ अलग सा कुछ, उनका हर बार का बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं. आई एब्सोल्युटली लव हाउ दे मेक देयर प्लानर. सो इस बार का मैंने ये वाला लिया है, पर्पल एंड क्रीमिश सा ऊपर, एंड देन यहाँ 2022 लिखा है. इसके अंदर ऐसे सारे पेजेस होते हैं मंथ वाइज एंड डेट वाइज. सो या दिस इज माय 2022 का प्लान दैट आई गॉट फ्रॉम टाइपो. अनदर थिंग आई गॉट इज अ मास्क जो मैंने ऑलरेडी पहन लिया है. सो ये इस पैकेट में आता है एंड दिस इज द मास्क दैट आई गॉट. मैं अभी तक ना हमेशा ब्लैक मास्क ही यूज करती थी बिकॉज आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि ब्लैक होगा तो वो सबके साथ चला जाएगा. आई नो मास्क में कौन इतना सोचता है बट स्टिल मैं ऐसे ही अभी तक सोच रही थी. बट देन आई थॉट नया साल है, कुछ नया करते हैं और अब हम नया कलरफुल सा मास्क लेके आते हैं. सो दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड एंड आई बॉट दिस ब्यूटिफुल बेबी ब्लू पाउडर ब्लू सॉर्ट ऑफ मास्क और इसके ऊपर डेजी फ्लावर बना हुआ है. वेरी वेरी प्रिटी एंड आई एब्सोल्युटली लव वेयरिंग दिस. आई होप कि हमें इस साल इसकी ज़रूरत कम पड़े और ज़्यादा मास्क ना पहनना पड़े. बट जब तक पहनना है तब तक के लिए मैं वो वाला मास्क लेके आई हूँ. ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर बैग. आई थिंक वी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस वन. सो आई वेंट टू टॉमी हिलफिगर दिस टाइम एंड दिस इज व्हाट आई गॉट. सो आई गॉट टू आइटम्स फ्रॉम टॉमी. द फर्स्ट वन इज दिस रेड ड्रेस जो एक बहुत ही पेटेंट टॉमी हिलफिगर स्टाइल होता है, उनका कॉलर पोलो नेक एंड ये स्ट्राइप्स के साथ. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये ड्रेस पूरी मेरे इंस्टा स्टोरीज पे इंस्टा फीड पे नजर आ गई होगी. बट अगर अभी तक नहीं कर रहे हो देन प्लीज गो अहेड एंड फॉलो मी. इंस्टा हैंडल ऊपर होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो जाओ वहां पे जाके देखो. वहां पे फॉलो करोगे तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम टू टाइम एकदम अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरी लाइफ के बारे में. सो दिस इज द ड्रेस दैट आई गॉट एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. आई लव द होल फिट ऑफ इट एंड इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है. एंड दिस इज इन द स्माइल साइज स्मॉल दैट आई गॉट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम टॉमी. द अदर थिंग दैट आई गॉट वॉज दिस वाइट स्वेट शर्ट एंड ओ माई गॉड लुक इट हाउ प्रिटी दिस इज. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. वाइट है प्लेन और इसकी ना फुल स्लीव्स ये जो बाजू है और इसके ऊपर लिखा है टॉमी जीन्स टॉमी जीन्स टॉमी जीन्स. सो काफी अच्छी लग रही थी जब मैंने इसको ट्राई किया ना वहाँ पे स्टोर में. ये थोड़ा क्रॉप स्वेट शर्ट की लुक देता है. एक्चुअली ये क्रॉप स्वेट शर्ट ही है बट ये मैंने जब ट्राई किया था स्टोर में तो बहुत अच्छी लग रही थी मेरे पे. एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम टॉमी. देन आई वेंट टू लीवाइस एंड आई बॉट देयर एकदम सिग्नेचर लीवाइस की जो टी शर्ट होती है ना. मेरे पास ये टी शर्ट पहले भी थी बट अब वो खराब हो गई थी, मतलब उसका वाइट जो है वॉश्ड ऑफ सा हो गया था. वो काफ़ी पुरानी थी, 4-5 साल से मेरे पास वो टी शर्ट थी. सो आई वेंट अहेड एंड आई बॉट द सेम टी शर्ट दिस टाइम. सो
So this is the Levi's t-shirt, the white plain basic Levi's t-shirt that I had earlier as well, and I got it again. Now next I went to this store, it is called Supri. So ye store pe na bahut achhi aur quirky dresses aur tops aur t-shirts mil jati hain. मेरे को एक्चुअली इस पे एक ड्रेस भी बहुत पसंद आई थी. आई विल इंक्लूड द पिक्चर ओवर हियर एंड यू टेल मी, बट मैंने वो खरीदी नहीं. बट मेरे को बहुत ज्यादा मन हो रहा है वो वाली ड्रेस लेने का. सो यू गाइस टेल मी इफ आई शुड गो अहेड एंड बाय दैट और इफ आई शुड जस्ट लीव इट. बट जो चीज मैंने खरीदी वहां से वॉज दिस टॉप. आई एब्सोल्युटली लव द टॉप. इसका नेक जो है ना वो मेन पार्ट है. लुक एट हाउ प्रिटी द स्वीट हार्ट नेकलाइन लुक्स लाइक. जब मैंने इसको वहां पे भी पहना था तो भी इसकी फिट और इसका ये जो ओवरऑल लुक आया था ना वो बहुत अच्छा आया था. ऊपर से ये पाउडर ब्लू कलर में है, विच आई एम लविंग दिस सीजन. सो आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत अच्छी लगने वाली है जब मैं इसको अच्छे से ड्रेस अप करूंगी. वहां स्टोर में मैंने ऑलरेडी सारी चीजें ट्राई करके खरीदी हैं, सो आई नो एवरीथिंग फिट्स मी परफेक्टली. नेक्स्ट अप आई वेंट टू लिंट. नाउ लिंट चॉकलेट आपको पता है मैंने बहुत बार दिखाया है, मैं लोगों को गिफ्ट करती हूँ, मुझे काफी ये चीजें मिलती हैं. बट द थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव फ्रॉम लिंट इज द हॉट चॉकलेट, एंड आई गॉट दिस हॉट चॉकलेट जार अगेन दिस टाइम. मैं जब भी इंडिया जाती हूँ ना, सो आई मेक श्योर आई गेट दीज हॉट चॉकलेट जार्स फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. And I absolutely love it, and I know my family also loves it. तो मैं make sure करती हूँ कि जब मैं जा रही हूँ किसी को gift करना है ना तो मैं ऐसी चीज़ ज़रूर gift करूँ. And I got another one for me. This is how it looks like. ये milk chocolate वाली है. इसमें एक dark chocolate भी आती है, but I don't like dark hot chocolate. मुझे actually dark chocolate ही नहीं पसंद है. So I went ahead and I bought the milk chocolate, you know, hot chocolate. And I'm gonna be drinking a lot of hot chocolates this season. Next up, I went to my favorite Boxing Day store, which is Adidas. हर साल मैं Adidas से ना Boxing Day पे जरूर shopping करती हूँ और मैं अच्छी खासी shopping करती हूँ. And इस बार I made sure that I went the first store I went and shopped from was Adidas, because हर बार हम सबसे end में जाते थे क्योंकि हमें पता होता था कि Adidas से तो बहुत ज़्यादा shopping होनी है. स्पेशली शूज़ वगैरह हम बहुत सारे लेते हैं तो बैग्स बहुत हैवी हो जाते थे. बट दिस तो जब तक हम एंड में मतलब स्टोर जाते थे तो ऑलमोस्ट सारा स्टॉक खत्म हो गया होता था. तो दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं सबसे पहले एडिडास जाऊंगी, जितने भी शॉपिंग बैग्स इकट्ठे होंगे उसके बाद हम उनको गाड़ी में रख के आएंगे, एंड देन वील गो एंड शॉप फ्रॉम अदर स्टोर्स. अभी आपको मैं सिर्फ अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ. माई हस्बैंड हैड यू नो has his shopping over there. वो उन्होंने भी काफी अच्छा खासा सामान लिया है. So we had quite a few bags from Adidas and other stores. तो इसलिए पहले हम मेरे सामान पे ही जाते हैं और देखते हैं. So the first thing I bought is of course a pair of shoes, because I love Adidas के shoes. And मैं अपने shoes ना ऐसे वाले running shoes वगैरह जो है वो stock up कर लेती हूँ boxing day पे ही, because अच्छी खासी sale चल रही होती है. So these are the ones that I got this time. इसमें भी नीचे पाउडर ब्लू कलर का है. मैंने एक्चुअली मैं सीरियसली बता रही हूँ ये, अब मैं चीज़ें खोल के देख रही हूँ तो आई एम रियलाइजिंग कि मैंने बहुत कुछ सिमिलर लिया है, लाइक पाउडर ब्लू. मेरे शूज़ में भी है, मेरे को ध्यान भी नहीं था, बट दीज आर द शूज़ दैट आई गॉट. रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छे हैं. एंड देन आई वेंट अहेड एंड आई बॉट दिस यू नो सी ग्रीन सॉर्ट ऑफ टी शर्ट, द टिपिकल एडिडास टी शर्ट उनके वो थ्री स्ट्राइप्स के साथ. कुछ खास नहीं है बट पहनने पे अच्छी फिटिंग आती है एंड अच्छी लगती हैं ऐसी टी शर्ट्स. एंड उसी सेम कलर में आई फाउंड दिस स्वेट शर्ट और मैं रुक नहीं पाई, मैंने ये ले ली. बिकॉज ये था कि ये तो मैं गर्मी में पहनूंगी और ये मैं सर्दी में पहनूंगी तो इट डजेंट मैटर, बट ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है. बट ये स्वेटशर्ट मटेरियल में है, इसकी ये हुडी भी है पीछे, यहाँ पे कैप है और फुल स्लीव्स हैं और इसमें साइड में यहाँ पे पॉकेट्स हैं. और जब मैंने पहनी थी तो भी ये बहुत अच्छी लग रही थी. एंड अभी यहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं बट स्टिल आई एंडेड अप बाइंग सर्दियों की चीज़ें, बिकॉज यू नो सेल इतनी अच्छी होती है कि आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता है वहाँ पे. इस टाइम पे जाने का मतलब यही होता है बॉक्सिंग डे पे.
Now, of course, I had to visit my favorite Bath and Body Works on Boxing Day. तो मैं Bath and Body Works पे गई हूँ और मैंने काफी सारी चीजें ली हैं. Actually वहाँ पे ऑफर ये चल रहा था, buy 3 and get 3 free, कुछ ऐसा करके था, या buy 3 get 2 free, something like that. So I ended up getting like quite a few things from Bath and Body Works, and मैं अब शुरू करके दिखाती हूँ. So the there are a lot of hand creams this time because मेरे पास काफी सारी Bath and Body Works की candles रखी हैं और वो अभी तक खत्म भी नहीं हुई हैं. So I have made sure कि मैं अब जब तक अपनी घर पे रखी scented candles खत्म नहीं कर लूँगी, मैं तब तक कोई नई scented candle नहीं खरीदने वाली हूँ. And अगर आपने मेरा Christmas का vlog देखा तो आपको already पता होगा मेरे को Christmas पे भी नई scented candles मिली हैं. So I'm gonna be using up all the candles that I have at home first and तभी मैं खरीदूँगी. इसलिए इस बार मैंने नहीं खरीदी है, बहुत अपने आप को रोका है. You guys know how much obsessed I am with Bath and Body Works scented candles. तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी हैंड क्रीम्स खरीदी हैं बिकॉज आई लव यूजिंग हैंड क्रीम्स. मैं बहुत ज़्यादा हैंड क्रीम यूज़ करती हूँ, स्पेशली अभी कोविड के टाइम पे हम जितना इतनी बार दिन में पता नहीं 100 बार हाथ धोते हैं, और मैं उतनी ही बार मुझे तुरंत हैंड वॉश करने के बाद ना क्रीम लगानी होती है. दिस इज यू नो मी, लाइक मैं इतने ही पता नहीं कितने ही सालों से ऐसे करती आ रही हूँ कि अगर अब मैं एकदम हाथ धोने के बाद क्रीम ना लगाऊं तो मेरे हाथों में अजीब सी कुछ कुछ फीलिंग आने लग जाती है, एंड इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल. तो आई एंड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ हैंड क्रीम्स, इसलिए मैंने ये इस बार ट्रैवल साइज वाली काफी सारी हैंड क्रीम्स ले ली हैं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरा स्टॉक अच्छा खासा भरा रहेगी. आपको मेरे बैग में मिलेगी, आपको मेरे ट्रैवल बैग में मिलेगी, हर जगह ऐसे Bath & Body Works की ट्रैवल साइज ये जो हैंड क्रीम्स होती हैं वो आपको मेरे घर पे मिल जाएंगी. सो आई गॉट, पहले तो इससे शुरू करते हैं. ये मैंने दो खरीदी हैं इन द वेरिएंट स्नो पीच बेरी, एंड दिस स्मेल्स एब्सोल्युटली डिलिशियस. ये और इसकी पैकेजिंग भी कितनी हैपनिंग और क्रिसमस टाइप और हॉलीडे सीजन टाइप है, बहुत सुंदर पैकेजिंग है, बहुत अच्छी स्मेल करती है. मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की थी स्टोर पे और तभी खरीदी. सो द फर्स्ट वेरिएंट इज दिस, मैंने इसी के दो खरीदी है. एंड द नेक्स्ट वन दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड वाज देयर डालिया रेंज. ओ माय गॉड, आई लव्ड देयर डालिया रेंज, एंड इसकी हैंड क्रीम भी ना बहुत अच्छी स्मेल करती है. लुक एट दिस, हाउ प्रिटी इज दैट. ऑफकोर्स Bath & Body Works की सारी हैंड क्रीम्स कम्स विद शिया बटर इन इट, सो वो काफ़ी नरिशिंग होती हैं, प्लस वो बहुत अच्छी स्मेल करती हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा एक अच्छा फैक्टर हो जाता है. जब कोई चीज़ बहुत अच्छी स्मेल करती है तो आई गेट यू नो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. एंड फाइनली आई गॉट दिस वन. सो ये रिकमेंडेशन पे खरीदी है मैंने, जो स्टोर में लेडी थी उसके उसने मेरे को बताया कि ये वाली जो हैंड क्रीम है वो स्पेशली नेल्स और क्यूटिकल्स के लिए काफ़ी अच्छी है, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यू नो सिर्फ नरिश ही नहीं करती हैं, काफ़ी सारी अच्छी आई डोंट नो यू नो व्हाट आई मीन, लाइक स्पेशल नेल्स और क्यूटिकल्स के लिए जो क्रीम होती है ना ये वो है. मतलब ये थोड़ा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई एम प्रीटी श्योर आप समझते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मतलब ये ऐसे सिर्फ फैंसी हैंड क्रीम नहीं है, इसके अंदर काफी अच्छी चीजें भी हैं जो आपके हाथ को यू नो आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू नो व्हाट आई मीन. दिस इज द हैंड क्रीम दैट आई बॉट फ्रॉम Bath & Body Works. इसका नाम है पैराफिन हैंड नेल्स एंड क्यूटिकल्स क्रीम. ये पैराबिन फ्री है, हाँ ये वाली क्रीम है यहाँ पे. सो दिस इज द वन दैट यू हैव. मैंने ट्राई नहीं किया है, सो अब जब भी टाइम मिलेगा, अभी मेरी पुरानी क्रीम्स चल रही हैं, जब वो खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं इनको ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी. एंड ऑफकोर्स आई हैड टू बाय दिस यू नो फ्रेगरेंस मिस्ट बिकॉज आई लव Bath & Body Works के फ्रेगरेंस मिस्ट. ये हमेशा मेरे बैग में एक ना एक रहता है. अभी आई थिंक आई एम यूजिंग देयर एप्पल समथिंग वन इन माई बैग, एंड आई गॉट दिस वन स्नो पीच बेरी. इसी की मैंने हैंड क्रीम भी खरीदी है अभी, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है, और यही वेरियंट की मैंने ये फ्रेगरेंस मिस्ट भी ले लिया है बिकॉज इसको पेयर करके लगाऊंगी. ये बहुत अच्छी स्मेल है, अगर आप जाते हो Bath & Body Works के स्टोर में तो ये ट्राई करना, स्नो पीच बेरी, अमेजिंग अमेजिंग वेरियंट. ओके, एंड द लास्ट एंड फाइनल थिंग दैट आई हैव is a big bag from Strand Bag. Strand Bag अच्छा खासा यहाँ पे एक अच्छा स्टोर है बैग का, जिसमें ना अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं. एंड आई ऑफकोर्स हैड टू बाय माई फेवरेट गेस्ट
आजकल मतलब लास्ट ईयर से, लास्ट वन एंड हाफ ईयर से ना मुझे गेस के बैग्स बहुत पसंद आ रहे हैं और मैं धीरे धीरे करके अपने बाकी सारे हैंड बैग्स छोड़ के उनको गेस के हैंड बैग से रिप्लेस कर रही हूँ. आई गॉट अ गेस का यू नो स्लिंग बैग, एक टोट बैग भी है मेरे पास, एक नॉर्मल हैंड बैग है मेरे पास, ट्रैवल उनका बैग है और डफल बैग जो होता है, और अब ये भी एक ट्रैवल टोट बैग है फ्रॉम गेस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और मेरे सारे मोस्टली जितना भी ट्रैवल बैग है ना वो इसी थीम में है, तो मैंने इसलिए सब कुछ मैचिंग मैचिंग लिया है कि वो जब ट्रैवल करूंगी मैं एक साथ जब चीजें लेके जाऊंगी वो सारे एक जैसे दिखेंगे, यू नो व्हाट आई मीन. सो या आई एब्सोल्युटली लव दिस. इसकी पता है अच्छी बात क्या है कि इसके पीछे यहाँ पे ये एक आपको ये जो स्ट्रैप सी नजर आ रही है ना, सो जब आप ट्रैवल करते हो और आपका सूटकेस का वो हैंडल होता है ना, आप उसके ऊपर इसको ऐसे डाल सकते हो. सो दिस विल नॉट मूव, लाइक ये गिरेगा नहीं चलते हुए, और आपको इतना भारी अपने कंधे पे भी डालने की जरूरत नहीं, आप सूटकेस पे रख के इसको चला सकते हो. सो दिस इज वॉट आई एब्सोल्युटली लव्ड यू नो अबाउट इट. और इसमें अच्छी खासी स्पेस है, मतलब इसके अंदर तीन कंपार्टमेंट्स हैं और इतना सामान आ जाएगा. आई थिंक जो 7 किलो आपको वो मिलता है ना चेक इन बैगेज, कैरी ऑन बैगेज मिलता है ना, आई थिंक वो 7 किलो तो इसमें ही पूरा हो जाएगा. सो आई विल सी, आई कांट वेट टू ट्रैवल अगेन एंड यू नो जस्ट pack everything, go on a flight and take my new luggage and everything. I'm really looking forward to traveling in 2022. So this is the new travel tote bag from Guess that I got. और इन सारी चीज़ों का, जितने भी चीज़ें मुझे मिलेंगी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि आपको इस पूरे हॉल में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी. आई लव एवरीथिंग बिकॉज ऑब्वियसली मेरी शॉपिंग है, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे मन से खरीदा है. बट टेल मी आपको सबसे अच्छा क्या लगा इन द कॉमेंट्स. अगर आपको ऐसे हॉल देखने हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में. सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड इंस्टा पे फॉलो कर लेना. एंड आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर लव्ड वंस. बाय.